वॉल्यूम कम करा रही है। जी जनाब, कैसे हैं आप? हमारी इससे पहले कोई क्लास हुई है अभी तक? या हमें पता हो कि हमने कितना पढ़ा है? एनीवन हैव एन आइडिया अबाउट दैट? ये हमारी काइंड ऑफ फर्स्ट क्लास है ना, जस्ट ओरिएंटेशन हुई थी। चलें जी, ठीक है जी। ओके 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 चलें जी। आपको पता है लास्ट वीक में क्या सोचा फ्रांसी से, और हम किन की वजह से अपनी क्लास जो है वो नहीं कर पाए थे। नाउ आगे मूव करते हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आज आज इतना हो पाया वो होगा। मैं फिर आपके साथ इस चैप्टर की एक आधी रिकॉर्डिंग भी दूंगा, ताकि आप उसको फास्ट पेस पे कवर कर सकें, और हमने एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो आगे भी मूव करना है, ताकि हम अपना टाइम पे सिलेबस जो है वो भी खत्म कर सकें। स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स जो है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको पता है हमारे सिलेबस का अराउंड 70% है, या 70 नंबर का पेपर जो है वो हमारा इनकम टैक्स में से आना ही आना है। और इस इनकम टैक्स में से अराउंड हमें 5 के करीब क्वेश्चंस जो हैं वो इनकम टैक्स में से आने हैं, और हमारी कोशिश होनी है कि हम इनकम टैक्स को मई और बाय जून एंड हम इसको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। तो इनकम टैक्स को स्टार्ट करते हैं। इसमें से कुछ हेड्स ऑफ इनकम सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये वाहिद हेड ऑफ इनकम है जिसमें से आपको 15 से 20 मार्क्स का पेपर आना ही आना है, पेपर आपको इसमें से पूछा जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा हम ज़रा फोकस करेंगे, चीज़ों को हम लेके चल रहे होंगे, हम देखेंगे इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। स्टार्ट करते हैं बेसिक्स वाले चैप्टर में से, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, इसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं ये डिस्कस नहीं करूँगा कि जी हमारा जो है वो ऑर्डिनेंस कौन सा है, हम कौन सा कानून पढ़ रहे हैं, क्या प्रोविजंस है, क्या लॉ है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिंपल स्टार्ट करते हैं, आगे जाके हमें चल लेगा पता ऑर्डिनेंस क्या होता है और क्या नहीं होता, तो उसके बारे में जाके हम आगे डिस्कस आउट कर लेंगे चीज़ों को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कोप ऑफ टैक्स की। स्कोप का मतलब क्या है, दायराकार, कि टैक्स का दायराकार क्या है, टैक्स की रेंज क्या है, क्या कुछ उसमें आएगा क्या कुछ उसमें नहीं आएगा, वो सारा हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे। जो इनकम टैक्स का स्कोप है ना, वो सारे का सारा हमने डिस्कस करना है इस एक लाइन के ऊपर, ये जो हमें नजर आ रही है। कहता है जी स्कोप, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आगे जाके हम इनको देखेंगे, इनको समझेंगे क्या है क्या नहीं है। अगर स्कोप की बात करें, स्कोप का मतलब क्या है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स के डोमेन में फॉल कर रही होती हैं। इधर ही इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर, हर एक टैक्स ईयर के लिए क्या किया जाएगा, इनकम टैक्स इम्पोज किया जाएगा, हर एक पर्सन के लिए इम्पोज किया जाएगा जिसके पास टैक्सेबल इनकम है और एज पर द एप्लीकेबल टैक्स रेट। मतलब हर एक पर्सन जिसके पास टैक्सेबल इनकम है उसके ऊपर हम एप्लीकेबल टैक्स रेट से मुताबिक क्या करेंगे, टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो इस स्कोप को पढ़ के हमारे माइंड में जो है वो 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हो रहे होते हैं। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे माइंड में आ रहे हैं। नंबर 1 कि टैक्स ईयर क्या होता है, हम सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, व्हाट इज टैक्स ईयर उसको देखेंगे। नंबर 2 टैक्सेबल इनकम क्या होती है, किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, हम उसको देखेंगे। नंबर 3 पर्सन क्या है। नंबर 4 टैक्स के रेट्स क्या हैं, और नंबर 5 टैक्स को लेवी करने का, टैक्स को लगाने का प्रोसीजर क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने क्या करनी है, हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अगर हमें इन 5 सवालों का जवाब मिल जाए तो हमारा इनकम टैक्स जो है वो 100% क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, अगर हमें इन 5 सवालों का जवाब मिल जाए। तो हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या करना है, इनको स्टार्ट करना है, इनको लेके चलना है, क्या कैसे नहीं। बचपन में एक ड्रामा आता था हातिम, देखा हुआ है आप लोगों ने? देयर वाज अ ड्रामा हातिम आता था, देखा हुआ है?
बस मैंने ये चीज पता करनी थी कि आप लोग कितने पुराने हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कब्रों में पांव पहुंचे हुए हैं, अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। उस ड्रामे में भी ना जो हीरो होता है उसको 7 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। जब उन 7 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकता है, अब सारे मुकर जाएंगे, हमने देखा होगा, अब सारे छोटे बच्चे बन जाएंगे ना, अभी अभी जैसे 10 10 साल पहले पैदा हुए, सारे मुकर जाए ताकि आप लोगों की उम्र जो है वो एक्सपोज ना हो जाए। 7 क्वेश्चंस होते हैं, वो 7 क्वेश्चन फाइंड आउट करते तो उसके एंड पे शादी हो जाती है। सेम उसी पैटर्न में हम क्या करेंगे, हम इन 5 क्वेश्चंस का सोल्यूशन जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। और जब हमारा ये 5 सवालों के जवाब कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब हमें इनकम टैक्स जो है वो हमारा 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया तो आपका परमानेंट क्रेडिट जो है वो आ जाएगा। और देखते हैं, जैसे उसके 7 क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट होती थी, हम भी क्या करेंगे अपनी इन 5 क्वेश्चंस की जर्नी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि जी इन 5 क्वेश्चंस का सफर कैसा है कैसा नहीं है, उसको लेके चलेंगे आगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनकम। अब इनकम की डेफिनेशन जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर डैट, ये आपको कभी भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसको बस सुनिएगा। जब आप इनकम टैक्स कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो जाएगी, आपको ये इनकम की डेफिनेशन जो है वो रिमेम्बर हो जाएगी, वो याद हो जाएगी। तो ये आपको भूलनी नहीं है, मतलब भूलने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इनकम क्या कुछ होता है, अब इनकम का मतलब क्या है, आमदनी। इनकम का मतलब क्या है, आमदनी। अब इनकम में क्या कुछ शामिल होगा देखते हैं। कोई भी अमाउंट जो इसके ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे हैं अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक उसे हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। जैसे सैलरी या कोई भी अमाउंट जो एफटीआर में फॉल कर रही है, एफटीआर क्या होता है अगर अगर डिस्कस करेंगे, और उस अमाउंट पे आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, उसे भी हम क्या कहेंगे, इनकम कहेंगे। या कोई भी अमाउंट जिसको अगर इस ऑर्डिनेंस के किसी हेड ने कह दिया कि इनकम है तो ये इनकम ही ट्रीट होगी, जैसे डिविडेंड है, रॉयल्टी है, प्रॉफिट एंड डेट है, या अगर किसी इनकम के ऊपर लॉस हो रहा होगा तो वो लॉस जो है, वो नुकसान जो है, वो भी क्या होगा, हमारी इनकम ही ट्रीट हो रहा होगा। तो ये डेफिनेशन है इनकम की जो हमने यहाँ पे देखनी है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वो ना कि आप लोग रटे मार मार के हिल हिल के याद कर रहे हो, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दैट डेफिनेशन, इसको बस सुन लिया है, जब आप इनकम टैक्स कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी। मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताएं इनकम के सोर्सेज कौन से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने पैसे कमाने हैं, आप लोग पैसा कैसे कमाएंगे मुझे बताएं, एग्जाम्पल्स दें जरा, हाउ यू आर गोइंग टू अर्न द मनी, एनी वन। सैलरी, गरीब लोग सोचते हैं सैलरी के, भाई मुझे एग्जाम्पल्स दें। बिजनेस कौन सा बिजनेस, सैलरी कौन सी सैलरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओके, जो ऊपर बैठा हूं सैलरी ही याद आती है, ट्रेडिंग, फाइवर, अपवर्क, टीचिंग, टीचिंग पैसे नहीं मिलते हैं। कंसल्टेंसी, प्राइस सेल करूंगा सी ए इंस्टीट्यूट के बाहर, ओके, बिजनेसमैन, और नहीं किसने क्या टीचिंग में पैसे मिलते हैं, हमसे पूछें कहाँ पैसा मिलता है। एजुकेशनल बिजनेस, SBI, मैं बताता हूँ आप जी साहब, बेटा सबर कर, बेटा तो गेम बजाना पड़ेगा। टैक्स कंसल्टेंसी, ओ ए लेवल्स को पढ़ाते हैं, हाँ वो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंट ज्यादा कमाता है या सीए टीचर, जिसकी अच्छी किस्मत हो वो। और बताएं यार, मैंने तो कहा था आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग तो रोज घर वालों को ख्वाब दिखाते होंगे, मैं बस अगले साल आपको 750 करोड़ कमा के दूंगा, मैं आपको 1000 करोड़ कमा के दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अब आप लोग आइडिया खत्म हो गए, वो कहाँ के ख्वाब करोड़ों के, दुकान साबित हुई पकौड़ों की,
डिजाइनिंग ओके एयरलाइन, अस्तगफिरुल्लाह, एयरलाइन, अपनी एयरलाइन खड़ी करनी है। मेरा भी ख्वाब है, मैं भी अपने जहाज बनाऊंगा। चिट फंड, हाँ, अब्बा की गाड़ी बेच के पैसे कमाऊंगा। मतलब तुम चाहते हो तुम्हारे अब्बा पूरी दिन के बसों पे ट्रैवल करें, उनकी गाड़ी बेचना। वाह, सीए बन के बिजनेस करेंगे। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको सीए बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया के कामयाब बिजनेसमैन जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कभी भी नहीं होते। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बस अच्छे एनालिस्ट हैं, मुंशी हैं, दे आर नॉट गुड बिजनेसमैन एट ऑल। टेक्सटाइल बिजनेस, अच्छा आइडिया। ऊपर का पैसा आएगा नीचे से, हाँ ये भी बिजनेस है। टेलर बन जाऊंगा, ग्रेट। मैं तो हैरान हूं, मतलब माशाल्लाह से ऐसे ऐसे आइडियाज जनरेट हो रहे हैं। शुक्र आप लोगों ने ये नहीं कहा कि चोरियां करनी है, डाके डालने हैं, 125 लेके आनी है, उस पे मोबाइल चोरी करना है, उसको बेच के पैसे कमाने हैं। जमींदारी, एग्रीकल्चर, ओके एग्रीकल्चर से भी आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल, आज लगा पता कि आप लोगों के ना स्कोप ही छोटे हैं। सही कहते हैं, ख्वाब करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। प्रॉपर्टी रेंट पे दे दो, दुकानें रेंट पे दे दो, यूट्यूबर बन जाओ, टिकटॉकर बन जाओ, और क्या था, घर का सामान उठा के बेच दो, शेयर्स बेच दो, प्रॉपर्टी बेच दो, घर दुकान मकान फ्लैट बेच दो, बिजनेस कर लो। आप सीए में आए हैं, आपसे सीए नहीं हो रहा, और एक फीमेल स्टूडेंट थी, उसने कहा मेरे से सीए नहीं हो रहा, उसने जाके अपने मोहल्ले में वो सेंटर खोल लिया, सीए ट्यूशन बाजी वाला, उससे पैसे कमा रही है, वो उसकी इनकम हो सकती है। लड़के सीए करने आए, सीए उनसे नहीं हो रहा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग रही है, उन्होंने सीए बार बार शॉप खोल ली, अब नाई बन के बाल काट रहे हैं, ये हो सकती है। तो बड़ी, देर आर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जो आप डेवलप कर सकते हैं, ऐसा है कि नहीं? अब जितनी आप एग्जांपल्स ली है ना, अगर आप देखें तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स जो हैं इन पांच हेड्स में क्लासिफाई हो रही है। रिश्ते वाली आंटी बन जाऊंगा यार, तू बन जा, जैसे पहला तेरा क्लाइंट मैं बन जाऊंगा, और ठीक है तेरा नाम मोहसिन है पर तूने बनना रिश्ते वाली आंटी है, कैसे बनेगा मुझे बता तू आज? नहीं तो अपना जेंडर कैसे चेंज करे? अब तूने साबित करना है कि तू कैसे आंटी बन सकता, तू मुझे ये बता। बंदा कम से कम वो चुस मारे जो बंदा एक्सेप्ट तो कर सके। तू रिश्ते वाला अंकल कह जे, तू मुझे कुछ कह दे मैं मान लू, तू रिश्ते वाली आंटी कैसे बनेगा? बता ना अब। ओ भाई, इसकी सर्जरी भी नहीं होनी जी, मतलब कैसे, तू बता तू रिश्ते वाली आंटी कैसे बनेगा? अब नहीं बोलेगा, अब इसकी अच्छी खासी होगी, अब नहीं बोलता ये। तो आपने जितनी एग्जांपल्स दी है ना, जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, ये इन पांच हेड्स में जो है फॉल कर रही है। जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, जितनी भी हमारी इनकम है, उनको हमने इन पांच हेड्स में क्या करना होता है, क्लासिफाई करना होता है। सबसे पहले आती है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब आप जहां पे भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं ना, सैलरी कमा रहे हैं, कहीं पे आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, कहीं पे आप वर्क कर रहे हैं, जॉब जहां पे भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो आपको नौकरी से पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएगा। फिर जो आपके पास प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, जो रेंटल इनकम आपको आ रही है उससे जो पैसा होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप टेलर हैं, आप बारबर हैं, आपके एयरलाइन हैं, आप अगर एज अ फ्रीलैंसर हैं और रजिस्टर्ड हैं, आप अगर मतलब एज अ बिजनेस कोई भी काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी वगैरह दे रहे हैं, वो आपकी क्या जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। आप एसेट्स वगैरह बेचते हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, आप
प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गाड़ियां बेच रहे हैं, घड़ियां बेच देते हैं, ज्वेलरी बेच देते हैं, चीजों को बेच के अगर आप पैसे कमा रहे हैं वो आपके कैपिटल गेन में जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी पैसा जो इन चार हेड्स ऑफ इनकम में नहीं जाएगा ना, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा रहा होगा। तो ये पांच हेड्स ऑफ इनकम है जिसमें हमारी क्या होती है, क्लासिफिकेशन हो रही होती है। इज दैट क्लियर? इसको देखें, बताएं, कोई सवाल है तो बताएं।
जी जनाब, आवाज आ रही है। आप लोगों के ना LMS के ऊपर मैं दो वीडियोस अपलोड करूंगा। वो वीडियोस जो हैं आप लोगों ने ना कंप्लीट करनी है इस चैप्टर से रिलेटेड जो है, ताकि हम इस चैप्टर के ऊपर फर्दर टाइम जो है वो अपना वेस्ट ना करें, बिकॉज लास्ट वीक जो है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो मैंने वीडियोस बीच में अभी नमाज के ब्रेक में अरेंज करवा ली हैं और उनको मैंने दे भी दी हैं। अगले वीक एक दो दिनों में ये वीडियोज़ जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, तो वो आपने कम्प्लीट करनी है। आई गेस टोटल वीडियो होगी दो मिला के 1 घंटे की वीडियोज हैं, वो आप लोगों ने कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि टैक्स ईयर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। टैक्स ईयर किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को अकाउंटिंग ईयर्स का पता है? अकाउंटिंग ईयर किसे कहते हैं पता है? फाइनेंशियल ईयर का पता किसे कहते हैं? बताएं, मतलब अकाउंटिंग ईयर होता है कि एक डेट से लेके दूसरी डेट तक हम देखते हैं कि ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हमने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं, कितना हमने सब कुछ कैलकुलेट किया है, वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। सही है, जिस तरह हम अकाउंटिंग ईयर को लेके चलते हैं उसी वे में हमारे पास क्या होते हैं, उसी वे में हमारे पास टैक्स ईयर भी आ रहा होता है। अब टैक्स ईयर क्या है? एक स्पेसिफिक डेट से लेके एक स्पेसिफिक डेट तक हम क्या करेंगे, हम एक टाइम पीरियड ले लेंगे और हम देखेंगे कि इस टाइम पीरियड में हमने कितनी सेल्स की हैं, कितनी परचेजेस की हैं, कितनी इनकम कमाई है, कितनी सैलरी अर्न की है, कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो टाइम पीरियड है फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, ये हमारा क्या कहला रहा होगा, ये हमारा टैक्स ईयर जो है वो कहला रहा होता है। अब अनलाइक अकाउंटिंग ईयर, हमारे पास टैक्स ईयर जो है ये 3 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर और दूसरा होता है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये 3 तरह के टैक्स ईयर जो हैं इन्हें हम क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल टैक्स ईयर किसे कहते हैं या नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है। रिमेंबर, नॉर्मल टैक्स ईयर जो है ये वो 12 मंथ का पीरियड है जो एंड होगा कब, 30 जून को, जो कब एंड होगा, 30 जून को, उसे हम क्या कहेंगे, हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। इट मींस के दैट टैक्स ईयर विल स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई एंड गोइंग टू बी एंड ऑन 30 जून, मतलब 1 जुलाई 2022 को शुरू हुआ और 30 जून 2023 को खत्म हुआ। ये जो 12 महीने का अरसा है ये हमारा क्या कहला रहा होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, मतलब टैक्स ईयर है कौन सा, 22, 21, 23। रिमेंबर, जिस साल जून फॉल कर रहा होगा हम हमेशा इसको उस साल से फॉल करें डिनोट कर रहे होंगे। जैसे ये टैक्स ईयर क्या कहलाएगा, 23 कहला रहा होगा। हम शुरू करते हैं जी, टैक्स ईयर 16 पे शुरू हुआ, 30 जून 17 पे खत्म हुआ, ईयर एंड क्या हुआ, 17 पे आया, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 17 कहला रहा होगा। अगर टैक्स ईयर 2021 लिखा हो तो जरा बताएं ये कब शुरू हुआ होगा और कब खत्म हो रहा होगा, जरा बताएंगे। फर्स्ट जुलाई 2020 को शुरू होगा और 30 जून 2021 को खत्म हो रहा होगा, तो ये हमारा टैक्स ईयर क्या कहलाएगा, 21 कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, समझ आई आप लोगों को? आगे हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टैक्स ईयर की, दैट इज स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है, देखिए जी, एक बंदा है उसके यहाँ टैक्स ईयर अलॉटेड है नॉर्मल टैक्स ईयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
पहले एक बंदा अपना इस्तेमाल कर रहा था नॉर्मल टैक्स ईयर, दैट वाज फ्रॉम 1 जुलाई 2022 और एंड होना था 30 जून 2023 को, वो टाइम ये इस्तेमाल कर रहा था। ये गया कमिश्नर के पास, इसने कहा सर जी मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं आपको इन 12 महीने का रिकॉर्ड जो है वो जमा नहीं करवा कर दे सकता, मेरे लिए अकाउंट्स क्लोज करना बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए अपने इनकम कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। अब जरा मुझे खुद बताएं, जो ये फ्रिज वाली फैक्ट्री होती है या जहाँ पे एसी वगैरह बन रहे होते हैं, उनका पीक टाइम कौन सा होता है? जून उनका पीक टाइम होता है कि दिसंबर उनका पीक टाइम होता है? जरा बताएं, दिसंबर। क्या इन बिजनेसेस के लिए जून मिड ऑफ गर्मियों में जाके अपने अकाउंट्स क्लोज करना पॉसिबल है? इजी है। सेम गोज विद शुगर इंडस्ट्री, सेम गोज विद बैंकिंग सेक्टर। ये कहते हैं कि सर हम आपको ना 12 महीने की इनकम का रिकॉर्ड लाजमी देंगे, हम आपको 12 महीने की इनकम ही बताएंगे, हम 12 महीने की इनकम के ऊपर टैक्स ही पे करेंगे, बट टाइम पीरियड हमें ये अलॉट ना करें, हमें टाइम पीरियड चेंज कर दें। ठीक है, हम चेंज कर देते हैं। कौन सा चाहिए जी? हम आपको 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक इस 12 महीने की इनकम जमा करवा देंगे और इस 12 महीने का रिकॉर्ड जमा करवा देंगे। ये जो 12 महीने की इनकम और 12 महीने का रिकॉर्ड है, अब ये भी टैक्स ईयर है लेकिन ये अदर देन नॉर्मल है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। मतलब जो भी टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल होगा वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जैसे आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2017 को, खत्म हुआ 30 सितंबर 2016 को। आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अगस्त 2024 को, खत्म हुआ 31 जुलाई 2025 को। ओहो, इसे क्या हो गया? आपका टैक्स ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 26 को, खत्म हुआ 30 मार्च 2027 को। अब वो टैक्स ईयर जो नॉर्मल के अलावा है वो हमारा हमेशा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। वो टैक्स ईयर जो हमेशा नॉर्मल के अलावा है वो हमारा क्या कहलाएगा? स्पेशल टैक्स ईयर ट्रीट हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि इस स्पेशल टैक्स ईयर को हमने किस तरह डिनोट करना है। जैसे इसका तो मुझे पता है ये टैक्स ईयर 2023 है, बट व्हाट अबाउट देम? ये कौन से हैं, इनका फैसला कैसे किया जाएगा? इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, फोकस होके। ईयर एंड होने के बाद, ये आना था मार्च, ईयर एंड होने के बाद, ये ईयर एंड है, ईयर एंड होने के बाद नेक्स्ट जून किस साल में आ रहा है जरा मुझे बताएं? 31 मार्च 2027 को ईयर एंड हो गया। 31 मार्च 2027 के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है बताएं? ओ 28 को पाई की हो गया और अखा सही करा मामा, 30 जून 27 को ही आ रहा है। और भाई क्या हो गया ये 30 मार्च के बाद जून कब आता है? अप्रैल मई जून 3 माह बाद जून आ रहा है। तुम लोग 28 कहां पहुंच गए हैं बताओ? तो जिस साल जून फॉल करेगा हम इसको टैक्स ईयर 27 कह रहे होंगे। अब ये देखो ध्यान करना, ये ईयर एंड हुआ 31 जुलाई 2025 में। ये ईयर एंड कब हुआ? 31 जुलाई 2025 में। इस डेट के बाद फौरन नेक्स्ट जून का बारह बताएं, 30 जून 26 में। तो इसलिए क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 26 कहला रहा होगा। ये देखो ये एंड हुआ 30 सितंबर 2016 में। 30 सितंबर 2016 के बाद वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 17 में। तो ये क्या कहलाएगा? टैक्स ईयर 17 कहला रहा होगा। और इस डेट के बाद वेरी नेक्स्ट जून बताएं कब आ रहा है?
25 में, तो ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 25 कहला रहा होगा। तो अब आपको समझ आई कि टैक्स ईयर हम स्पेशल टैक्स ईयर हो किस तरह से डिनोट कर रहे होते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये चीज क्लियर है। ईयर एंड होने के बाद आपने देखना कि वेरी नेक्स्ट जून किस ईयर में फॉल कर रहा है, वो जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा आप हमेशा उसको उसी ईयर से क्या कर रहे होंगे, डिनोट कर रहे होंगे। क्लियर है? इसमें कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, एनीवन। यहां तक बहुत है, इतना रखिए। आपने क्लास का टाइमिंग ना 6:15 के ऊपर है, पहले क्लास टाइमिंग 6 पे थी, इन्होंने ना पूछे पूछे बता बिना ही ना इन्होंने 15 मिनट आगे कर दिए, तो क्लास हमारी 6:15 पे स्टार्ट हो जाए, 6:15 बजे, पूरे 6:15 बजे। आज तो नमाज का मुझे आइडिया नहीं था कि अजान कितने बजे होनी है, मुझे देने पड़ेगी ब्रेक। कल हम नमाज के ब्रेक जो होगी वो आफ्टर क्लास करेंगे, नॉट ड्यूरिंग क्लास। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह 6:15 पे। अल्लाह हाफिज।